कुछ बोलो ना। तुम कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। तुम भी तो कुछ नहीं बोलती हो, जरा मासूम सा हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। Stop, go, रुक जा। गुड मॉर्निंग मैडम, आई विल स्टैंड योर बेड, मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। How are you, मैडम? ये अस्पताल हो रहे हो है कि जंग का मैदान हो रहे हो है? और तू सिपाही हो रहे हो है जो यहाँ से वहां भग रहे हो है? ये इंडिया पाकिस्तान की लाइन खींची हुई है। What's happening here, दूधनाथ? वो हमारे दिमाग की एक्सरे मशीन खराब ना कर, वरना बिना मशीन के सोनोग्राफी कर दूंगी मैं थारी। भूल गया पिछली पोस्टिंग में लद्दाख में केस सजा दी थी? हम्म, पूरी रात बर्फ के टीले पे खड़ा रखा था। ये। अगले दिन शिल्पकार ने आके बर्फ तोड़ी थी, तब तो तू निकला था बाहर। भेज दूं अभी मैं ऊंट से करवा दूं दोस्ती। लॉर्ड में आने की जरूरत नहीं है। सॉरी मैडम, सॉरी। वेल मैडम, आज ना मैं बाल कटवाने गया था जी। बच्चा है यहाँ पे कटवाने के लिए? जस्ट ट्रिमिंग यू नो। मैं जी जब बाल कटवाने गया ना, उसने मुझे कहा मैं आपको 20% ना डिस्काउंट दूंगा। मैं क्या है 20% भैया, किस खुशी में? और कहता खुशी में नहीं। I don't like tears. मैं क्या भाई किस खुशी में? कहता खुशी में नहीं, गम में, क्योंकि आपकी बीवी एक दूध वाले के साथ भाग गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया जी। माई ब्लड बॉइलिंग, स्टैंड अप, मेरा खून खौल उठा जी। तुमने किया दूधनाथ? हमारा लीडरशिप हो गया। एक आदमी की जवान नई ब्रांड न्यू शोरूम से निकली हुई बीवी, ये भी नहीं कि किसी एक स्तर वाले आदमी के संग ना, एक दूध वाले के साथ भाग जाती है। इतनी शर्म की बात हो रही हो है? हम्म, वो आदमी पूरी जिंदगी जिल्लत से काट रहे हो है, और तुझे मस्करी सूझ रही है? से सॉरी लवली सिंह जी, हमारे तरफ से आपको सॉरी है। ओके ब्रो, यो डॉक्टर मैडम, बीइंग द रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, हम कुछ कहने का कहना है? मेक इट फास्ट। हमारा अंदर का पंडित जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कसम मखंड जोड़ की, आज के बाद हम लवली सिंह के बीवी दूध वाले के साथ भागने के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। जगमान, इसी बात पर 501 रुपया यहाँ पर नगद रख दीजिए। हो गया, हमारे अंदर का पंडित जी हवन में अखंड जोत को फूक मार के सो गया है। ये एक हॉस्पिटल हो रही है, सीरियस प्लेस। यहाँ मन ने कॉमेडी चाहिए कोनी। सेफ प्रोफेशनल डिस्टेंस रखो, सेफ डिस्टेंस। ओके, यो यो। या काम पे ध्यान दो। चलो। वन हैंड डिस्टेंस। कहाँ रह गए दोनों? अरे नहीं भैया, ऐसा मत कहो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा किस्मत के कद्दू से। अरे सुनो तो यार मेरी बात। अरे मैडम जी, मैडम जी, अरे मैडम जी, टेंट वाले का फोन था मैडम जी, और हमसे कह रहा था कि टेंट उखाड़ लूं क्या? मैडम जी, अगर मेरी बेटी की शादी का टेंट उखड़ गया तो समझो मैं भी उखड़ जाऊंगा। मैडम जी, अब मेरी इज्जत जो है ना मैडम जी, आपके कदमों पे आ जाएगी। ओहो अंकल जी, ना तो आपकी बेटी की शादी का टेंट उखड़ेगा और ना उखड़ोगे आप।
क्योंकि ये अस्पताल भानुमती का हॉस्पिटल हो रही है, यहाँ हर दर्दी के दर्द का इलाज होवे। अंकल जी बात ऐसी है कि आपके समझी जी हो रहे हैं एक नंबर के टच मी नॉट, ना तो खुद को छूने दे रहे हैं, ना पास आने दे रहे हैं, हाथ नहीं लगाने दे रहे कोनी। अब ऐसे में ना तो उनके टेस्ट हो पा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट शुरू हो पा रहा है। कुछ बोलो ना। तुम कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। तुम भी तो कुछ नहीं बोलती हो, जरा मासूम सा हूं। इनकी बातचीत ही आगे नहीं बढ़ रही। इनका करना पड़ेगा कुछ। ए सोनिया बोला। जी 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 डॉक्टर दीदी। कई हो रही हो है, ये अंकल जी के एक्सरे का कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, जब अंकल जी रात में सो रहे थे ना, तब भी हम एक्सरे निकालने की कोशिश किए, लेकिन वो टहलते टहलते बोल के कान में मारे एक लप पड़ दी, मन झंझन आ गया मेरा। अब कोई नींद में कैसे जान सकता है कि उसका एक्सरे निकाल रहे हैं, बताइए ना, जरा मासूम सा हूँ। मुझे शर्म आती है। क्या है ये? हेलो। अरे नहीं नहीं भैया, देखो ऐसा मत करना यार, देखो मैं बर्बाद हो जाऊंगा किस्मत के कद्दू से। अरे सुनो सुनो, अरे हमारी इज्जत तुम्हारे कदमों में है। वेल ब्रो, फोन उल्टा है, कदम इधर है। मैडम जी, बेवकूफ। हलवाई का फोन था और कह रहा था कि अंगेठी से कढ़ाई उतार दूंगा। मैडम जी, हमारी इज्जत आपके कदमों में है मैडम जी। अरे उठाओ यार इन्हें अंकल जी को, बाहर दिख लो। इतना डॉक्टर मैडम, कैन आई प्लीज गो फॉर इट? डॉक्टर मैडम, हमारे अंदर का वकील इस वक्त चिल्ला चिल्ला के बोलना चाह रहा है। ये केस आईने की तरह और मेरे फेस की तरह बिल्कुल साफ है और हाय। मेरे जो मोकिल के समधी हैं, यानी कि दूल्हे के पिताजी, वो भरी अदालत में अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। yes! और गुस्से के मारे चिड़चिड़ाकर वो किसी को नजदीक नहीं आने दे रहे। वो चाहते हैं कि हम भौंके, वो चाहते हैं कि हम काटे, इस चक्कर में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। छो गया हमारा अंदर का वकील, यारा ओ यारा करके सो गया है। गुड, तू कई कहना चाह रहे हो है कि गुस्से के चक्कर में अंकल जी की बेटी कुंवारी बैठी रहेगी कई? इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में तो भानुमती के मन में एक दोहा दौड़ रहे हो है। कैरी ऑन। जब ह्यूमन होवे एंग्री तो होवे मूड का सत्यानाश, जब ह्यूमन हो एंग्री तो होए मूड का सत्यानाश, तब गुस्सा भगाने के लिए झटपट करो प्रयास। समझो कई? समझो कई? समझो समझो समझो। तो फिर ऐसा कुछ करो जिससे अंकल शांति से अपने सारे टेस्ट करवा लें। शांति से? डॉक्टर दीदी, अपने हॉस्पिटल में शांति कौन है बताइए ना, जरा मासूम सा हूं। सुन, तू मेरे से ना ये फालतू क्वेश्चंस ना पूछा कर, मैं जरा सी फिर वायलेंट सी हूं। सॉरी। सरहद पे खड़ा हुआ फौजी और बीमार का इलाज करता हुआ डॉक्टर, इन दोनों के सामने हमेशा एक ही लक्ष्य हो गए है, फतेह। फिर वो फतेह सरहद पे खड़े दुश्मन से हो या बीमारी से, हम फौजी जीत का जुनून सर पे बांध के चलते हैं। समझियो कई? समझियो। वेल मैडम, आई वेंट अंडरस्टैंड। यो आई मैं
went gaya, understand samajh. मैं समझ गया. I went understand. मैं पता लगाता हूँ बनके रॉबिन हुड यू नो, बिना शर्ट वाले अंकल का कैसे ठीक होगा मूड यू नो. तू ऐसा कर ले. वैसे लवली सिंह तू बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो रहे हो, वेरी स्मार्ट, बहुत काम का आदमी. एक चाय बोल. मेरी गाड़ी धो दे और ये वाला काम कर. हमार लल्ला हनीमून मनावे, हमार लल्ला दिल्ली घोड़ी चलावे, हमार लल्ला फटफटिया चलावे, हमार लल्ला दिल्ली घोड़ी चलावे. Well, wow. Baby. Baby किसको बोला? Oh, sorry uncle. मेरा मतलब भाभी. अब अंकल किसको बोला? Oh, sorry bro, sorry. भाभी जी, you are thorny dancer. क्या बोला? कौन सा डांसर? थॉर्नी डांसर, कटीली नचनिया. थॉर्नी कटीली, यू नो. अच्छा अच्छा, थॉर्नी बोला. हम तो कुछ और समझे, टहलते टहलते. सुनिए, थैंक यू. हम तो लेके मम्मी है. लल्ला सुंदर है, पति छछुंदर है. अजब. वेल, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज. भाभी जी, वन मिनट प्लीज. Well, भाभी जी, मैडम चाहती हैं कि आपके पति का इलाज किया जाए. और आप भी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए. आप ये भी चाहती हैं कि आपके घर में बहू आए. फिर ये जरूरी है कि आपके पति का मूड किया जाए सही, प्यार का जमाया जाए दही, यू नो. हमारे पति है ना, ये बहुत ही शौकीन रसिया, बड़े चिटियाबाज किस्म के इंसान है. बिना नाच गाना देखे इनका तो मूड सही नहीं होता है. या, सेम विद मी. आप भी बहुत रसिया शौकीन और चिटियाबाज किस्म के इंसान है का? या. तभी आपकी दूध वाले के साथ भाग गई. हाउ यू न्यूज? आपको कैसे खबर? न्यूज खबर, यू नो. वो वहाँ लड़का नहीं है, सफेद कपड़ों घूम रहा है, दूध नाम नाम है उसका. उसी ने हमको बताया कि आपकी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई. बात बताइए, खबर सच्ची है का? आई एम ड्रिंकिंग गुस्से का घूंट. व्हाट अ रबिश. पार्क हो रही है, मोहल्ला हो रही है, छुपन छुपाई खेल रहे हो, तुम दोनों बालक हो रहे हो. मैडम, टुडे आई रिमेम्बर हिम, हर मम्मा से मम्मी. मैं इसको नानी याद दिला दूंगा. मम्मा से मम्मी, नानी, यू नो. क्यों, फिर इसने किसी को बता दिया कि तेरी बीवी दूध वाले के संग? इसी से मैडम, इसने उस काम से दूल्हे की मम्मी को भी बता दिया कि मेरी बीवी. काम सीन बोल रहा है. मुझे क्यों? दूल्हे की मोटी अम्मा कमसिन हो रही है. दोनों से कही थी ना कि आपस में ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत है. कोनी, सॉरी, इस काम के लिए भेजा था, हुआ हुआ, हुआ कोनी. या मैडम, वर्क इज वेंट, काम हो गया. मैडम, दूल्हे की मम्मी से पता चला है कि दूल्हे के डैडी को डांस देखने का बहुत शौक है.
जब वो डांस देख लेते हैं उनका मूड सही हो जाता है। So what are you waiting for? Christmas? सही करो अंकल जी का मूड। What? How? How? Hi! उनको गुंजन गदराई और उल्फत उपयुमा जैसी डांसर का Well. भानुमति दर्दी का दर्द दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जाओ गुंजन गदराई को लेकर आओ। श्योर डॉक्टर मैडम, कैन आई? ओनली इफ इट इज इम्पोर्टेंट। हमारा अंदर का टैबला प्लेयर इस बार चिल्ला चिल्ला के बोलना चाह रहा है। मैडम, गुंजन गदराई जो है इस वक्त अपना बोरिया बिस्तर पैक करके जा चुकी है एक महीने के लिए दुबई, और दुबई में जाके वो करेगी अपना थारी किता थारी किता थारी किता थारी किता सो गया। हमारे अंदर का ताबला प्लेयर ताबला के ऊपर पाउडर डाल के सो गया है। गुड। वैसे तुझे कैसे पता कि गुंजन दुबई गई है और एक महीने के बाद आएगी? बात ऐसा है मैडम, हम गुंजन गदरे के उधर पार्ट टाइम ताबला प्ले करते हैं। वाह, जुग जुग जियो हॉस्पिटल का आरएमओ तबलची है। तब तो करना पड़ेगा एक महीना वेट, तब जाके खुलेगा शादी का गेट। मुझे शर्म आती है। क्या है ये? क्या है यार, बता दो, कोई तो बता दो क्या है ये। बक्का, एक महीना वेट करने का तो टाइम है कोनी। अंकल जी का मूड सही करने के लिए डांस तो होगा और अभी होगा, समझो कई? समझो। लवली सिंह जी, हमारा बात सुनो, हमको इतना गुस्से से मत देखो, हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हमारे अंदर का दोस्त इस वक्त चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा दोस्त, तुझे मेरा दोस्ती की कसम, मेरा दोस्ती की हाथ अपने हाथ में ले ले। आर यू श्योर? प्रेजेंटेशन इज बेटर देन क्योर। प्रेजेंटेशन नहीं लवली सिंह जी, प्रिवेंशन होता है। Same with me. Thanks, bro. लेकिन तुम अब तो किसी से नहीं कहोगे ना? तुम अब तो किसी से नहीं कहोगे ना मेरी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई है? ऐसा हम किसी को नहीं बोलेगा कि तुम्हारा बीवी दूध, किसी को नहीं बोलेगा हम। नेवर। हमारा फोन जाए। इसका उंगली कान से निकालो वरना काट लेगा। हेलो, अच्छा डार्लिंग, केमन अच्छो? हम अभी हॉस्पिटल में लवली सिंह जी का साथ में है। अरे लवली सिंह, LSD। लवली सिंह इंदिरा? हाँ, अरे वही लवली सिंह जिसका हाथ में चार गैलेंट्री अवार्ड है, कंधे पे तीन तीन स्टार है, अरे जिसका 500 किलो का जूता है, मार दी मैंने तो यार। ओही लवली सिंह जिसका बीवी दूध वाला का संग भाग गया। तुमने इसको भी बता दिया? हमारे से अंजन में हम सॉरी। अच्छा, अरे ओ मैडम ने कहा था ना लाइट ऑफ करनी है, चलो लाइट ऑफ करो। हाँ, लाइट ऑफ करेगा। अरे ये लाइट कैसे चली गई टहलते टहलते?
डॉक्टर मैडम कैन आई? डॉक्टर मैडम, डॉक्टर सोनिया का डांस देखने का बाद हमारे अंदर का डांसर नाच नाच के चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता है। डॉक्टर सोनिया ने तो गुंजन गदराई के ताता थैया को हाय मोरी दैया कर दिया। सो गया। हमारे अंदर का डांसर पेल्विक अंदर थ्रस्ट करके सो गया है। आप लोगों ने ये जानकर खुशी होगी कि दूल्हे का फादर एक नंबर का धूर्त आदमी हो रहे हो, क्योंकि जिस आदमी की पसलियां चटकी हो वो छोरी के संग डांस को नहीं कर लेता। अंकल जी कर रहे हैं बीमारी का नाटक, लेकिन उनसे ये भूल हो गई कि वो ये नाटक भानुमती के हॉस्पिटल में कर गए। yes! अब तो अंकल जी के मुंह से कबूल करवाऊंगी कि ये सब उन्होंने नाटक करा है। वाओ, बट ये होगा हाउ? भानुमती बिन नाम है मारो, जो सोच लूं तो पर्वत की चट्टान तोड़ दूं, जो ठान लूं तो तूफान का मुंह मोड़ दूं। और ऐसी सिचुएशन में एक मजेदार सा दोहा भी सुना दूं। कैरी ऑन। ऐसो नाटक कीजिए जिसकी पकड़ ना होए, ऐसो नाटक कीजिए जिसकी पकड़ ना होए, क्योंकि भानुमती जो झूठ पकड़ ले तो वो फूट फूट के रोए। अब आवे गो मज्जो, समझो कई समझो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.